नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPNI न्यूज़। ग्यान बापी मस्जिद के एक तहखाने का सर्वे पूरा हो चुका है और अब दूसरे का शुरू हो गया। जी हां, बड़ी खबर जो हम आप दर्शकों के सामने रख रहे हैं कि श्रृंगार गौरी मामले में ग्यान बापी मस्जिद के सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर और दोनों पक्ष के वकील पहुँच गए हैं। सर्वे की कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आइए आपको पूरा मामला एक बार से समझाते हैं कि यूपी के धर्म नगरी वाराणसी के श्रृंगार गौरी मामले में आज ज्ञान बापी मस्जिद का सर्वे शुरू हो गया। सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर, उनके सहायक, वादी और प्रतिवादी के साथ ही दोनों पक्ष के वकील भी ज्ञान बापी मस्जिद परिसर में सर्वे के लिए प्रवेश कर गए हैं। सर्वे के लिए मस्जिद परिसर में दाखिल हुए सभी लोगों के मोबाइल फ़ोन जमा करा लिए गए हैं। जी हाँ, ज्ञान बापी मस्जिद में पहुंचते ही एडवोकेट कमिश्नर ने एक तहखाने का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। अब दूसरे तहखाने को खोला जा रहा है। दोनों तहखानों की चाबी एडवोकेट कमिश्नर को मिल गई है। सर्वेक्षण का कार्य शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। प्रशासन की बैठक में तहखाने में सांप होने की आशंका जताते हुए सपेरों को बुलाने की मांग की गई थी। प्रशासन ने तब कहा था कि वहां CRPF का कैंप पहले से ही है, ऐसे में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वक्त यही सबसे बड़ी खबर है कि पहले तहखाने की सर्वे हो चुकी है शांतिपूर्ण तरीके से और दूसरे तहखाने की शुरुआत हो चुकी है और लगातार जो है वहां पे प्रशासन मौजूद है और अभी तक सब कुछ बजाबते जो है शांतिपूर्ण हो रही है, इसकी उम्मीद भी की जा रही थी। ये एक अच्छी पहल है। देखना होगा कि आखिर सर्वे से क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि लोगों की निगाहें आज पूरा दिन जब तक सर्वे होता रहेगा तब तक ग्यान बापी मस्जिद पर है कि आखिर तहखाने के पिटारे से क्या निकलने वाला है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, SPNI न्यूज़।